देश की सत्ताधारी पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, उनके बारे में दो बातें साबित हो चुकी हैं और ये अब हिंदुस्तान की जनता के मन में, दिल और दिमाग में बैठता जा रहा है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी भारतीय झूठा पार्टी बन गई है और भारतीय झगड़ा पार्टी बन गई है। इस पार्टी का मकसद है झूठ और झगड़ा, झूठ और झगड़े के माध्यम से पूरे देश को बर्बाद करने का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का है और उसी सिद्धांत को अपनाते हुए आज भारतीय झूठा पार्टी ने फिर से आप लोगों के साथ एक नया सामने एक नया झूठ प्रस्तुत किया, एक नया ड्रामा प्रस्तुत किया जिसको आप लोगों ने बगैर वेरीफाई किए चलाने का काम किया। और क्यों किया गया ये? क्यों पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की कानून व्यवस्था का सवाल उठा रहे हैं। यहां गैंगरेप हो रहा है, गैंगवार हो रहा है, माफिया राज चल रहा है, व्यापारियों को गोली मारी जा रही है, महिलाओं को सड़कों पे घसीट के उनकी जान ले ली जा रही है, ये सारा मुद्दा केजरीवाल जी उठा रहे हैं। और अमित शाह बजाय इसके कि केजरीवाल के सवालों का जवाब दें, अमित शाह बजाय इसके कि दिल्ली में अपराध रोके, केजरीवाल को रोकने में लगे हुए हैं, केजरीवाल के खिलाफ तमाम तरीके के षड्यंत्र और साजिश रचने में लगे हुए हैं। मुद्दों से दिमाग हटाना है। अब मुद्दों से दिमाग हटाने के लिए सिर्फ एक ही सहारा होता है, भाजपाइयों का झूठ। तो आज उन्होंने वो ऑडियो क्लिप आपके बीच में चलाया जो पूरी तरीके से फेक है, जिस ऑडियो क्लिप की कोई सत्यता नहीं है और जिस ऑडियो क्लिप के बारे में दिल्ली के माननीय हाईकोर्ट ने रोक लगा रखी है। ऐसा एक ऑडियो क्लिप भारतीय जनता पार्टी का, फिर से मुझे कहना पड़ रहा है, भारतीय झूठा पार्टी का आईटी सेल का जो हेड है वो चला रहा है, उसके प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो दिल्ली के हैं सचदेवा जी, गौरव भाटिया उस झूठ को लेकर उड़ रहे हैं आसमान में उड़ रहे हैं, जिसके संबंध में हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है, ऐसे झूठ को लेकर उड़ रहे हैं। और यह आदेश हाई कोर्ट का है कि ऐसा कोई भी ऑडियो चलाया नहीं जाएगा। भारत के उच्च न्यायालय, दिल्ली के उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ऑडियो क्लिप कैसे चलाई? इनके खिलाफ माननीय न्यायालय को एक्शन लेना चाहिए। 17 अगस्त 2023 को देश के एक मीडिया चैनल ने ऐसा ही प्रयास इसी ऑडियो क्लिप को चलाया था और ये कहा था कि एक कपिल सांगवान नाम का एक गैंगस्टर है और उस नरेश बाल्यान जो आम आदमी पार्टी के विधायक हैं उनके बीच की ये बातचीत है। अब उसके बारे में दिल्ली की पुलिस कहती है, उसको रेड कॉर्नर नोटिस इश्यू हुआ है, कहती है हम कहां है ये व्यक्ति हमें पता नहीं। जो व्यक्ति दिल्ली की पुलिस को नहीं मिल रहा, जिसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है, जो अमित शाह को नहीं मिल रहा, वो भाजपाइयों को कहां से मिल रहा?
या तो अमित शाह के घर में मुलाकात हुई होगी, उसने कहा होगा कि हां हमारी बातचीत है। ऑडियो क्लिप, फर्जी ऑडियो क्लिप, झूठी ऑडियो क्लिप चला के आप आम आदमी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, मुद्दों से ध्यान हटाना चाहते हैं, दिल्ली की बदहाल और बदतर कानून व्यवस्था के मुद्दे से लोगों का दिमाग हटाना चाहते हैं। ये हम छोड़ने वाले नहीं है। आपको हर दिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के बीच में एक्सपोज करेगा। दिल्ली हमें सुरक्षित चाहिए, देश की राजधानी हमको सुरक्षित चाहिए। यही प्रयास इन्होंने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में किया, फर्जी ऑडियो क्लिप चला दिया। यही प्रयास इन्होंने दिल्ली में आज कर दिया, 2023 अगस्त का, एक साल के बाद, सवा साल के बाद ऑडियो क्लिप आप चला रहे हैं जिसपे हाईकोर्ट का स्टे है। तो इसलिए जो जो भाजपाई उस ऑडियो क्लिप को चलाएगा उसके खिलाफ मानहानि का मुकदमा किया जाएगा, उसको न्यायालय के अंदर बुलाया जाएगा और किसी भी व्यक्ति को, विधायक हो या सामान्य व्यक्ति हो, उसको बदनाम करने का अधिकार नहीं है। और ये जो काम बीजेपी ने किया है आज, वो न्यायालयों के आदेश की अवहेलना है और साथ ही साथ उनकी पार्टी का जो नाम है भारतीय झूठा पार्टी, वो भारतीय झूठा पार्टी ने अपने आप को फिर साबित कर दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ फैलाने वाली और झूठ बोलने वाली पार्टी है भारतीय झूठा पार्टी, यानी कि गलती से उसका नाम